हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है दैट कोलकाता इज ट्रूली अ फूडीज पैराडाइज। हमेशा ये भी कहा है दैट कोलकाता सर्व्स लिप स्मैकिंग फूड टू एवरी पॉकेट पिंच। इसी कॉन्टेक्स्ट में टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द बेस्ट ऑफ बिरयानी फ्रॉम चीपेस्ट टू अफोर्डेबल टू एक्सपेंसिव। व्हाई बिरयानी? बिकॉज बिरयानी इज लिव फॉरएवर। So for this first pod, I have come to try out this the cheapest biryani in Kolkata, which is for 80 rupees. Now when it comes to biryani in Kolkata, आपको 50 रुपए में भी यहाँ बिरयानी मिल जाएगा, which last in my last video में जब अगर आप मेरे को simple vlogs में follow करते then you know I had the best of biryani at 50 rupees in the Lousy. But ये बिरयानी खाने के लिए you have to come near the you know official area because अभी lunch time पे मैं यहाँ पर आई हूँ 1:30 बजे and तभी आपको ये मिलेगा और शाम को। Now let's dig into the food because गर्मा गर्म the best पार्ट अबाउट दिस बिरयानी 80 रुपीज की है। इसके साथ इन्होंने एक चटनी दी है विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इस बिरयानी के साथ कोई चटनी। वो खीरा और प्याज का सैलड होता है वो देखा। ग्रेवी है यहाँ पर, एक चिकन है एंड देयर इज आलू। अंडा नहीं है ऑब्वियसली, 80 रुपए में क्या ही देगा, कितना कुछ ही देगा। सो द बिरयानी लुक्स क्वाइट मसालेदार टू मी, काफी फ्लेवरफुल है एंड ट्राई कलर राइस है, यू नो द अर्थी कलर, द सैफ्रॉन कलर एंड द व्हाइट कलर राइस, सो लुक्स ग्रेट। सो लेट मी टेक इट विद द ग्रेवी एंड चलिए अब खाते हैं। चिली चिकन का ग्रेवी दे दिया विच इज़ नॉट हैपनिंग। वेन कम्स टू बिरयानी एंड ऑल नाउ आई हैव ऑलवेज कोटेड दिस दैट आई माय प्रेफरेंस इज माय पापाज कुक्ड बिरयानी। वेन इट कम्स टू दिस बिरयानी दिस इज आल्सो गुड बट देयर आर लिटिल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बिरयानी। ये बिरयानी ऐसी बिरयानी है जो आप 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर भी हो गए तो इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको जबरदस्ती खींच के ले आएगी एंड यू हैव टू एंड अप ऑर्डरिंग दिस। एंड 80 रुपीज में आपको आलू भी मिलेगा, सम प्लेसेस गिव्स यू अंडा एज वेल, चिकन भी मिलेगा, फ्लेवरफुल राइस मिलेगा। जैसे इस केस में दिस राइस इज वेरी स्पाइसी, वेरी मॉइस्ट, हाउएवर द चावल थोड़े से कच्चे है। टेस्ट इज ऑल्सो एवरेज अप हियर बट अगेन इट्स अ नाइस प्लेजेड एनर्जी मील विद अ बैलेंस ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन। अगेन भारत इज लव फॉर एवर एंड कसम से सबके पास इतना टाइम नहीं रहता, रेस्टोरेंट्स वगैरह इतना भीड़ रहता है ना, भीड़ रहता है। इनफैक्ट ये सब स्टॉल्स भी इतना ओवर पैक रहता है बट अगेन स्टिल इट्स गुड, आप खरीद लो लेके खा लो फटफट, स्टिल बेटर। इस चीप बिरयानी का भी अपना एक अलग मज़ा है बट अगेन व्हेन इट कम्स टू माय प्रेफरेंस दैट आई विल से कि मैं चिकन बिरयानी रास्ते का फिर भी खा लूँ बट मटन बिरयानी में आई एम स्टिल वेरी कॉन्शियस। इन दिस केस दिस बिरयानी इज फ्लेवरफुल, स्पाइसी, फ्रेश एंड द मीट इज क्वाइट जूसी। बस ये जो इसके साथ चिली चिकन का ग्रेवी दिया दैट इज दिस कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आया, हाउएवर द चिकन लुक्स वेरी स्पाइसी एंड जूसी। अब जब चिकन में हाथ लगा ही लिया तो हाथ से खा ही लेते हैं बिकॉज हाथों से खाने का अपना ही अलग मज़ा है। आई कांट रेट दिस बिरयानी, यू नो प्राइस के हिसाब से इसका अपना एक अलग मज़ा है। सो या नाउ लेट्स गो एंड ट्राई द अफोर्डेबल बिरयानी। वाटरमेलन मोहिते चिकन बिरयानी के साथ वो ले लेते हैं, रिजाला ले लेते हैं। रिजाला अच्छा है क्या आप लोगों के यहाँ का करी? नहीं क्या अच्छा लगेगा, क्या खाएं? चाप चिकन चाप। फॉर माई नेक्स्ट पार्ट आई हैव कम टू दिस एज ओल्ड होटल विच इज़ न्यू आलिया होटल। इस जगह को आई विल से अफोर्डेबल बिकॉज इनके दो सेक्शन है, एक नॉन एसी एक एसी। एसी में तो चिकन बिरयानी इज 320 रुपीज़ एंड नॉन एसी में इट्स 250 रुपीज़ आसपास। सो आई विल से इट्स अफोर्डेबल क्योंकि आप अमीनिया देख लो, अरसला देख लो, सिंगल पीस चिकन बिरयानी कॉस्ट 330 रुपीज़ और अमीनिया अरसला में जितने बार खाया अमीनिया आई डोंट लाइक पर्सनली एक्सेप्ट फॉर दिस प्लानेट ब्रांच एंड अरसला आई लव। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस होटल न्यू आलिया होटल मैंने कभी भी अपने वीडियोस में कभी खाया नहीं, मैंने कभी आया हुआ नहीं है। दिस प्लेस हैज़ बीन अवॉर्डेड बाई CNN आउटलुक ट्रैवलर, दे हैव मेंशन देम इन देयर ब्लॉग पोस्ट एज द टॉप प्लेसेस टू ईट बिरयानी इन कोलकाता। जब उन्होंने इसको बोल दिया है टॉप, सो हाउ कैन आई नॉट कम हियर। एंड यहाँ पर मैंने मंगवाया है चिकन बिरयानी एंड सुना है इसके चिकन बिरयानी के साथ चिकन चाप भी काफ़ी फेमस है। सो यहाँ पर आ गया है मेरा वाटर मिलन मोहिते, बिरयानी नीड सम गुड मॉकटेल। सो यहाँ पर मेरा आ गया था तंदूरी रोटी, मेरा नहीं बिट्टू लोगों का, ये आ गया बिरयानी एंड या गेट चाप। ओ माई गॉड दिस चाप लुक्स सो गुड, आई लाइक इट। ओके आई कैन सी अंडा इन द बिरयानी विच इज़ लाइक फैब। सो यहाँ पर 330 रुपीज़ की बिरयानी में आपको क्या मिलेगा? गुड स्मोकी कलरफुल फ्लेवरफुल बिरयानी एंड आपको मिलेगा इसमें चावल तो है, चिकन का एक बड़ा पीस भी है, एक बड़ा चिकन का पीस, बड़ा तो नहीं है खैर एक छोटा मतलब है पीस। यू गेट आलू सॉरी अंडा फर्स्ट सिप ऑन टू द वाटरमेलन मोहितो। ओह फ्लेवर डाला है ना, इट्स गुड। ओके राइट, सो व्हेन इट कम्स टू बिरयानी आई थिंक द क्वांटिटी इज लिटिल लेस, चिकन का भी पीस थोड़ा कम है। लेट्स सी द चाप, लेट्स ट्राई द चाप फर्स्ट, इसका चाप खा के देखते हैं।
चाप, और सुना है इसका चाप बहुत फेमस है. चाप लुक्स वेरी ऑयली, वेरी नाइस, मसालेदार. आई लव दिस चाप वाइट एंड यो इसकी ग्रेवी. यहाँ पर ये ऑयल निकला हुआ, ये मसाला, ये बहुत मसालेदार स्मोकी, सूखा येट वेरी मॉइस्ट. मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, ये सूखा भी है और मॉइस्ट भी है. इट्स वेरी फ्लेवरफुल. और ये जो बना है ना, ये वैसे बना हुआ है, जो भुंजा हुआ अनियन होता है ना उसको फिर पीस के जैसे बनाते हैं, ये वैसा बना हुआ है. तो ये मैं ग्रेवी थोड़ा राइस पर ले रही हूँ. दिस लुक सो गुड. सॉफ्ट है चिकन, बहुत सॉफ्ट है. इसका सब मसाला लेते हैं. आई लव द चाप. माय गॉड, दिस इज सो गुड. नाउ लेट्स ट्राई द बिरयानी विद द चाप. लेट्स सी. चावल बहुत ज़्यादा गला हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. मतलब थोड़े खड़े रहने चले गए. 80 रुपये वाली बिरयानी जो खा रही थी गल गया, सॉफ्ट नहीं हुई तो गल गया. 80 रुपये का जो बिरयानी खाया था उसमें चावल बहुत टाइट थे, ये चावल बहुत ज़्यादा गल गया है. मतलब लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन चावल अगर थोड़ा सा और खड़ा रहता ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता. बट गर्म मसाला को काफ़ी खड़ा गर्म मसाला दिया हुआ है इसमें. सो अभी इलायची दिया हुआ है. इन जनरल आई डोंट लाइक ईटिंग बिरयानी, आई लव थोड़ा सा गीला चावल काइंड ऑफ फूड. सो मेरे लिए ये वाला बिरयानी सही है. घर पे जब पापा भी बिरयानी बनाते हैं, आई ऑलवेज आस्क हिम टू पुट अ टन्स ऑफ घी, सो दैट उससे वजह से वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाए. बट अगर मैं अपने प्रेफरेंस की बात बोलूँ ना, सो आई एम रियली लाइकिंग द बिरयानी. बहुत ज़्यादा सेंटर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा टू मच नहीं है, ऑयल नहीं है, इट्स परफेक्ट. सिर्फ चावल थोड़े से ज़्यादा बॉयल हो गए. चिकन का पीस थोड़ा छोटा दिया हुआ है, बट चिकन बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी है. चिकन मीट में फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. बिरयानी का जो सेंट का फ्लेवर आता है, वेरी नाइस. सॉरी, लेट्स ट्राई द अंडा. डीम इज लव फॉर एवर विद बिरयानी. मतलब 330 के हिसाब से इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव, बट इट्स गुड. ओके ओके, बिरयानी वाला स्टोरी. एक बार मैंने बिरयानी बनाई थी, तो ये बता देते हैं. बिरयानी, वरुण कभी बिरयानी नहीं खाता था, नॉनवेज ही नहीं खाता था. हम लोगों के साथ रह रहे के नॉनवेज खाना, चिकन खाना सीखा थोड़ा बहुत. तो मेरे घर में बिरयानी पापा के हाथ का खाया, पहले तो नाना नाना कर रहा था, फिर खा लिया. उसको इतना अच्छा लगा, तो उसके बाद मम्मी एक बार बिरयानी बनाई थी, वो जिस दिन फ्रेश बना था उस दिन खाया. और हमारे घर में क्या, हम लोगों के घर में क्या, आप सबके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि बिरयानी एटलीस्ट 2-3 दिन रख के खाते हो, और जितने दिन वो रख के खाते हो उतने दिन उसका टेस्ट अच्छा होता है. भाई सेकेंड डे घर आया, मम्मी को बोला आंटी बिरयानी है, मम्मी बोले कि हाँ है देख दीजिए. थर्ड डे आया, बोला आंटी बिरयानी है, मम्मी बोलती है हाँ दे दीजिए, खा लिया. लिटरली ये लड़का 3 दिन बासी वाला बिरयानी खाता है. ही इज सो ऑब्सेस्ड विद मेरे घर वाली बिरयानी, है ना. सो फॉर द नेक्स्ट प्लेस आई हैव कम टू द एक्सपेंसिव प्लेस फॉर बिरयानी, विच इज करीम्स. नाउ वैसे व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसिव बिरयानी, देन आउट इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जहाँ 460 रुपीज़ या 480 रुपीज़ की बिरयानी खाई थी. वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरी बिरयानी फॉर 24 आवर्स वाली वीडियो देखो. आई चूज करीम बिकॉज मैं दिल्ली जब रमजान के टाइम पे गई थी तो मैं करीम्स मेरा मिस हो गया था. कोई बात नहीं, करीम्स कोलकाता खुद आ गया मेरे को खिलाने के लिए. सो यहाँ पर आइटम्स जो आई ऑर्डर्ड इज बोटी बोनलेस मटन बिरयानी, एंड आई ऑर्डर्ड टंगड़ी कबाब. ना ये टंगड़ी कबाब इज सिमिलर टू द वन काबुली वाला. सो दिस इज बेसिकली टंगड़ी कबाब स्टफ्ड विद मिंस्ड मीट. यहाँ पर मैं साइड्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि चाप मैंने ऑलरेडी आलिया में खाया था, एंड दैट वाज सुपर अमेजिंग. सो बट 450 की बिरयानी खाने से पहले वी विल डिग इन टू सम बोटी कबाब नाउ. सो यहाँ पर आई हैव टेकन टंगड़ी, एंड यहाँ पर आई हैव गॉट द चटनी. लेट्स क्विजन सम लेमन जूस. यहाँ पर मैं प्याज ले रही हूँ, प्याज के ऊपर मैं धनिया पत्ता की चटनी डाल रही हूँ, एंड लिटिल बिट ऑफ ऑन टू द कबाब. नाउ लेट्स डिग इन. एज आई वाज टेलिंग यू दिस मिंस्ड ऊपर आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल चार टेक्सचर, लुक्स वेरी गुड. एंड द ग्लेजी मीट ऊपर से बटर लगाया होगा, सो लुक्स क्वाइट जूसी. सो अब तो खा के पता चलेगा. दिस प्लेस इज रियली गिविंग मी अ गुड वाइब बिकॉज they are playing some really soft Bengali music. How was this kebab? This tangri kebab is super soft, super delicious, super juicy. जैसे मैंने मुँह के सामने लिया ना इसको, इसकी खुशबू वो so good, and the meat is so tender. And अंदर का जो minced meat भी है ना, that is stuffed with masala meat, not the normal minced meat. हाँ, it's perfectly spicy, perfectly flavorful, and perfectly delicious. There's a seasoning missing into the chutney, like khatas or नमकीन का जो सीजनिंग है ना वो थोड़ा कम है, फीका है. द चटनी इज लिटिल फीका. दिस इज सो वेल स्टफ्ड यार, सच अ मीटी टंगड़ी कबाब. लोकल
लोडेड है, काफी फिलिंग भी है। सो हेयर इट कम्स द बिरयानी। नाउ ये जो स्पेशल बिरयानी है इसमें मिंस्ड मीट पीसेस में दिया हुआ है, मसालेदार मिंस्ड मीट, चंक्स ऑफ मीट, देयर इज आलू एंड इसमें ना खड़े गर्म मसाले बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे मेरे को दालचीनी दिखा एंड द राइस लुक्स वेरी फ्लेवरफुल, मेरे को इलायची भी दिखा एंड काफ़ी मेरे को लौंग भी दिखा, लौंग इलायची दालचीनी सब है। सो ये राइस काफ़ी फ्लेवरफुल लग रहा है, आप देख सकते हो, तो चावल भी बहुत खड़े खड़े हैं। सो वरुण आलूरिया, सो इन दिस बिरयानी वी डोंट हैव अंडा बट वी डोंट नीड ऑल्सो अंडा, सुबह हमने बिरयानी में खाई थी। नाउ व्हेन इट कम्स टू इफ आई कोट दिस बिरयानी इज एक्सपेंसिव, बट इसका भी एक प्रोज है। सो हेयर पीपल सर्व्स यू लाइक स्टार्टर के बाद आपको ये प्लेट चेंज कर देते, यू गेट योर मेन सर्विंग प्लेट, देन द अटेंडेंट्स आर वेरी कर्टियस, दे कम अगेन एंड अगेन एंड दे सर्व योर फूड एंड एम्बियंस इज वेरी क्वेंट एंड कोजी एंड क्वेंट गुड प्लेस। सो इफ आई एम पेइंग 450 rupees देन आई एम नॉट ओनली पेइंग फॉर द डिश बट ऑल्सो आई एम पेइंग फॉर द ओवरऑल थिंग। नाउ वेन कम्स टू द क्वान्टिटी इट्स सफिशियंट फॉर द टू पीपल हु आर एवरेज ईटर्स, राइट। सो अभी हम लोग तो ये तीन जन बिरयानी शेयर कर रहे हो, वरुण ने भी एक बिरयानी से बिरयानी लिया, चावल लिया, वरुण खा के बताएगा कैसा लगा चावल, क्योंकि उसको 80 rupees वाली बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी, उसको आलिया होटल का बिरयानी भी ओके ओके लगा था। अभी ये बिरयानी देखते हैं, सच में खा के अच्छे से बोल, झूठ क्यों बोलेगा, ठीक है, मतलब बेटर देन दोस्तों बट सच्चाई यही है इसको घर का बिरयानी खाने का आदत है, वो तो ऑब्वियसली वो अलग लेवल है बट बिरयानी का असली मजा 80-90 rupees वाला ही बिरयानी है, वो तो तेरे को अच्छा नहीं लगा, उसका नहीं अच्छा था, जो दोस्त लोग के संग आराम से खा सकता है, सबका पॉकेट अलाउ करता है, सबका पॉकेट अलाउ करता है, ये सब सबका पॉकेट अलाउ नहीं करता ना, तो मजा उसी में है। अगेन वी आर नॉट टारगेटिंग, नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिजनेस यू नो टारगेट सेम पॉकेट पिंच, इसलिए दिस इज द पर्पस ऑफ द वीडियो दैट कोलकाता सर्व्स फूड लिप स्मैकिंग डिलीशियस बिरयानी फॉर एवरी पॉकेट पिंच एंड दिस इज फॉर द अनदर क्लास ऑफ पीपल, बट इसका भी अपना मजा है, मटन का भी प्राइस है, लेट्स डिग इन। मेरे को लगता है भैया ने मेरे को ही सबसे ज्यादा भर भर के मटन दिया, so let's dig it. मटन पीस, आलू है, चावल है। टू आर मेयर जो इवेंट हुए ना, अभी एक इवेंट हुआ था ना कैटरिंग में, कैटरिंग का जो बिरयानी था एकदम ऐसा बिरयानी लग रहा है, वेरी नाइस गुड। और मटन मीट आई प्रेफर लेस, ये वाला मटन मीट इज सॉफ्ट जूसी बट मेरे को वो स्मेल का प्रॉब्लम है इसमें, और चिकन भी मिला मेरे को इसके अंदर, चिकन भी मिला मेरे को, चिकन का भी पीस मिल गया, दूसरा का बिरयानी, हाँ एक ही अंडे रहता है इसलिए ये वैसा बिरयानी लग रहा है, वो कैटर वाला भी बिरयानी अच्छा था हम लोगों का, और वो अच्छा कैटर, वो किसी रेस्टोरेंट का खाना था, वो अच्छा होटल का खाना था वो बिरयानी, हाँ करीम का स्पेशल, वो बात है। बिरयानी इज मॉइस्ट एंड फ्लेवरफुल, आई लाइक दिस बिरयानी, मटन मीट काफ़ी सॉफ्ट है, आप देखो बहुत सॉफ्ट है, बहुत बहुत अच्छा है, टेंडर्ड है, चाल के साथ पता नहीं चल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मटन मीट का जो स्मेल वाला जो प्रॉब्लम है वो मेरा खुद का पर्सनल प्रॉब्लम है, हाउएवर इन जनरल दिस इज़ वेरी गुड, लाइक अभी अभी खाते खाते अच्छा लग रहा है, लॉन्ग का भी एडजस्ट होता है, तो अभी आलू तो मीठा होता ही हम लोग यहाँ पर, मटन इज गुड क्वालिटी यार, आई लाइक द बिरयानी, तो रायता लेकर खाते हैं, बट ये रायता ना वो वाली बिरयानी के साथ अच्छा लगता है, जो सूखा होता है ना एकदम फ्लेवरफुल, जिसमें से खुशबू होता है जिस बिरयानी में, उसमें रायता अच्छा लगता है। इस ये बिरयानी खुद में इतनी मॉइस्ट है तो यू डोंट नीड द रायता, हाउएवर रायता दिया तो खा के देखते हैं, रायते के साथ और अच्छा लग रहा है, खट्टा खट्टा रायता, थोड़ा सा गाढ़ा नहीं, बहुत गाढ़ा वाला नहीं, इट्स लाइक लिक्विड ही रायता, इट्स गुड, वेरी नाइस, आई लाइक द फूड अप हियर, इसका टंगड़ी कबाब भी बहुत अच्छा था। मेरे को सच में मटन का पीसेस बहुत ज़्यादा दिया, आई थिंक द प्राइस विच आई एम पेइंग इट्स वर्थ इट, इट्स गुड, यू कैन ट्राई।